नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है लिविंग विल का है। 2018 में एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ का आया था और जिसमें लिविंग विल यानी अपनी इच्छा से मृत्यु मांगना, इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ा आदेश और कुछ दिशा निर्देश, ऐतिहासिक वो फैसला था जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को जिस तरह गरिमा से जीने का अधिकार है, उसी तरह गरिमा से मरने का भी अधिकार है। और ये जो मौलिक अधिकार है ये गरिमा से मृत्यु तक विस्तारित होता है। साथ ही साथ कुछ गाइडलाइन जारी की थी, ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनके ठीक होने की गुंजाइश नहीं है, जिनका उपचार नहीं हो सकता और वो इच्छा मृत्यु चाहेंगे, वो चाहें कि उनकी मौत हो जाए और वो इलाज से इनकार कर दें, इस तरह का ये मामला था जिसमें कॉमन कॉज की याचिका थी। और बड़ा फैसला यहाँ पर यूथनेशिया को लेकर, इच्छा मृत्यु को लेकर यानी लिविंग विल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था और एक गाइडलाइन जारी की थी कि ऐसे व्यक्ति जिनके जो ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जो ठीक नहीं हो सकती, उनका इलाज नहीं हो सकता, उनके पास कोई चारा नहीं, या वो ब्रेन डेड हो गए हैं, या वो ये भी नहीं कह सकते कि उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए, तो कब तक ऐसे लोगों को जिंदा रखा जाए, मुद्दा ये था। और ये मुद्दा जो है एक नर्स अरुणा शोनबाग से निकला था और 2018 में उस पर एक व्यापक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की और कहा कि ऐसे व्यक्ति को लिविंग विल करने का यानी इच्छा मृत्यु का अधिकार है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, सख्त दिशा निर्देश होने चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज़, इसका दुरुपयोग होने के बहुत चांस हो जाएंगे। काफ़ी लंबी चौड़ी सुनवाई भी हुई थी और गाइडलाइन के मुताबिक 3 चक्रीय सुरक्षा यहाँ पर इच्छा मृत्यु के लिए, लिविंग विल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी। पहला ये था कि किस तरीके से एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा जो ये रिपोर्ट देगा कि फलाना व्यक्ति जो है, जो वो ठीक नहीं हो सकता, उसको ऐसी बीमारी है और उसको या ब्रेन डेड है, वो बता नहीं सकता, लेकिन उसको आगे कोई इलाज उसका नहीं है। उसके बाद ये मामला जो है जिला कलेक्टर को जाएगा और जिला कलेक्टर एक और मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे जो अपनी ओपिनियन उस मुद्दे पर देगा, और जब वो ओपिनियन भी हो जाएगी तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये मुद्दा जाएगा और वो आगे जांच करेंगे। तो यहाँ पर ये फैसला यहीं पर हो गया था, लेकिन एक बड़ी सुनवाई फिर शुरू हुई है क्योंकि यहाँ पर कुछ और लोग आए हैं और साथ में कॉमन कॉज भी आया है और ये कह रहा है कि ये जो व्यवहारिक नहीं है ये गाइडलाइन, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और ये बहुत कठोर गाइडलाइन है, इनका पालन करना लगभग नामुमकिन है, तो इसमें बदलाव किया जाए। तो जस्टिस KM जोसेफ कि ये 5 जजों की बेंच है जो मामले की सुनवाई कर रही है और जो जज हैं और जो पीठ है उसने ये कहा है कि जो कठोर गाइडलाइन है उसको हम बदलाव करने की कर सकते हैं, उसमें बदलाव करेंगे, ये इशारा, ये संकेत उन्होंने दिया। और ये भी कहा है कि लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है, अगर इस पूरे मामले में हम ज़्यादा दखल देंगे तो ये एक तरीके से समीक्षा करना होगा, पुनर्विचार करना होगा 2018 के फैसले का। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मामला है ये विधायिका के डोमेन में है, विधायिका को इस तरह के फैसले लेने चाहिए, जब तक वो कानून नहीं लाती है 2018 के दिशा निर्देश और जो आदेश है वो जारी रह सकता है, लेकिन विधायिका के पास विस्तृत विशेषज्ञता है, संपन्नता है, वो हर मामले में अदालत से आगे, इसलिए उसे ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन हालांकि पीठ ने ये कहा है क्योंकि ये कठोर गाइडलाइन है, व्यवहारिक नहीं है, इसलिए व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ बदलाव इन गाइडलाइनों में ज़रूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो यहाँ पर उनका जो प्रावधान रखा गया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, 2 जो श्रेणी है शुरू की वही काफ़ी है। ये काफ़ी मुश्किल काम है और ऐसे में बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण लिविंग विल के जो मामले हैं इच्छा मृत्यु के, वो जस के दस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकता इस मुद्दे पर, व्यवहारिक बदलाव करेगा, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि वो कोई टाइम फ्रेम यानी समय सीमा तय कर सकता है जिसमें मेडिकल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि जो फलाना व्यक्ति है जिसकी इच्छा मृत्यु का मामला है, लिविंग विल का मामला है, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है अब हटा लेना चाहिए, इसको लेकर एक तय समय सीमा होनी चाहिए, वरना ऐसे ही ये सब मामले खिंचते रहेंगे। तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ऐतिहासिक फैसला भी दिया था, लेकिन क्योंकि अब इसके इतने 4.5 साल बीत चुके हैं और अब जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर एक संशोधन याचिका दाखिल करके कहा गया है कि व्यवहारिक इसे बनाया जाए, तो ये मुद्दा एक बार फिर सामने आया है।
ये जो मामला है इसको इसलिए इस तरीके से समझना हमें चाहिए कि उस समय जब हियरिंग चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, तो ये मुद्दा आया था कि अगर इसमें कठोर गाइडलाइन नहीं हुई तो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बुजुर्ग माँ बाप जबरदस्ती लिविंग विल जैसे मामले हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके घर वाले ही बुज़ुर्गों को के खिलाफ ऐसे कदम उठाएँ जिससे वो लिविंग विल के में शामिल हो जाए और उनकी मृत्यु की मांग कर लें घर वाले ही। तो ऐसे में कठोर गाइडलाइन होनी चाहिए, वही सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने तीन चक्र में ये बनाई थी ताकि हर तरीके का हितधारक इसमें हो, हर तरीके की जांच इसमें हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को खुद ही लग रहा है कि ये जो मामला है इसमें जो गाइडलाइन है लिविंग विल की वो काफ़ी कठोर हैं और व्यवहारिक नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव करने जा रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।